था कि ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है, वैकेंसी क्या चलता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। क्या आप 10 मिनट समय दे सकते हैं मुझे? एक्सक्यूज मी भैया, आप ओप्पो कंपनी में जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ भैया। आपसे कुछ जानकारी पूछना था। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो कुछ जानकारी आपसे चाहिए था कि ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है, वैकेंसी क्या चलता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। क्या आप 10 मिनट समय दे सकते हैं मुझे? तो कुछ क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो पूछना चाहते कि ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्या बता सकते हैं? तो आपके पास 10 मिनट समय है? हाँ समय है, थोड़ा जल्दी करना हमें। हाँ तो बस दो चार ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, दो चाहिएगा। विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के रहने वाले हैं। तो आप ओप्पो कंपनी में कितने दिनों से काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं? 1.5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल से कंटिन्यू ओप्पो कंपनी में जॉब कर रहे हैं? जी जी। तो इस कंपनी में मतलब क्या बनती है? ओप्पो कंपनी का फोन तो बनता है, लेकिन उसके अलावा इसमें मतलब क्या क्या फोन बनती है, क्या क्या? इसमें 3 फोन बनते हैं, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का। अच्छा, तो वन प्लस का भी फोन ओप्पो कंपनी बनाती है? हाँ, वन प्लस का ओप्पो मोबाइल कंपनी बनाती है। कौन कौन से जैसे फोन मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आप लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आपको पता होगा जैसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या पार्ट लगा रहे हैं, कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ, हर एक कंपनी जो हमारे लाइन पे काम होता है उसके बारे में जानकारी है। जैसे मदरबोर्ड हो गया लगाना, स्पीकर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, एंटीना हो गया, कैमरा हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ये सब अलग अलग पार्ट लगते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है सारे ओप्पो कंपनी के एम्प्लॉय से लिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्योंकि ये सारी जानकारी से आपको ये पता चल जाएगा कि ओप्पो कंपनी में काम क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या है, सैलरी क्या है, वैकेंसी कब चलने वाली है दिवाली के बाद, पूरी जानकारी मतलब इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके मन में जो भी डाउट है सारे एक बार में क्लियर होने वाली है। यूट्यूबर है जो मतलब न्यू मेरे सब्सक्राइबर जो अगर इस कंपनी में जॉब करना चाहते होंगे, हाँ। तो लगभग नोएडा में अगर कहीं पे रहते तो आने जाने के लिए जो बस है वो कहाँ कहाँ जाती है, लगभग कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा तो सूरजपुर, भंगेल, खुलेसरा और दादरी, कई जगह जाते हैं, उतना लगभग हमें याद नहीं है। अच्छा, तो नोएडा में लगभग ग्रेटर नोएडा सभी जगह बस जाती तो है। तो कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग बता सकते हैं? कंपनी मतलब हाँ, कितने से कितने बजे तक चलती है? 9 से 9:30 चलती है। अच्छा, 9 बजे से लेकर 5:30 हाँ, स्टार्ट हो जाती है। सुबह जो बस होती है 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है, ताकि उन्हें लंच टी ब्रेक मिल सके। अच्छा, मतलब सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक चलता है, उसके अलावा ओवर टाइम की फैसिलिटी कंपनी फैसिलिटी देती है। जैसे अभी दिवाली का समय था तो कंपनी मतलब अभी चल तो रहा है, ओवर टाइम भी चल ही रहा होगा, तो कितने घंटे चल रहा है? इतनी समय 3 घंटे ओवर टाइम चल रहा है। 3 घंटे ओवर टाइम चल रहा है। पहले मुझे बताया कि इस कंपनी में मतलब जो आपकी भर्ती हुई है, मतलब ज्वाइनिंग हुई है 1.5 साल पहले हुई, तो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हुई है, मतलब कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू? कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू हुई। जैसे कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू भर्ती होते कौन कौन से कॉन्ट्रेक्टर इस कंपनी में, क्या कुछ नाम बता? हाँ, बता दे। जैसे रिलायंस हो गया, HSC मैन पावर हो गया, आयुष हो गया, हाँ लगभग, और काफी सारे कॉन्ट्रेक्टर। सारे लोग जैसे पूछते हैं कि जब भर्ती चलती है तो कंपनी के गेट पे चलती है, या मतलब जो भी है मतलब कॉन्ट्रेक्टर उनके ऑफिस में या इंटरव्यू के समय? गेट पे नहीं चलती, कॉन्ट्रेक्टर की ऑफिस पे वैकेंसी चलती है। अच्छा, मतलब कि कॉन्ट्रेक्टर के ऑफिस में गेट पे वैकेंसी नहीं चला जाता? मतलब नहीं, आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो गेट पे चले जाते हैं वैकेंसी के लिए, बैग लेके चले जाते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिला, तो गेट पे वैकेंसी नहीं? गेट पे वैकेंसी नहीं होती, ऑफिस में जाना पड़ता है। ऑफिस में जाना, जो भी कॉन्ट्रेक्टर मतलब डालता है वैकेंसी के बारे में, उन्हीं के ऑफिस में जाना पड़ता है? ऑफिस में जहाँ का कॉन्ट्रेक्ट दिए रहेंगे लोकेशन, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। मतलब जो भी कॉन्ट्रेक्टर डालते हैं उनका लोकेशन वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो ये बता दीजिएगा, जैसे वैकेंसी वगैरह चलती है तो इंटरव्यू के समय पे मतलब क्या 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 पूछा जाता है, इससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे इस कंपनी में भर्ती होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? मिनिमम कम से कम इंटर तो पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ITI होना चाहिए। अच्छा, मतलब मिनिमम कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए, और ITI ग्रेजुएशन रहे तो और बढ़िया है, और बेहतर है। तो अच्छा, ये बता दीजिए जैसे कि लाइन पे जो काम करता है, जैसे इसमें फोन रेडी होता है, तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
मतलब लगाया जाते हैं, तो सबका काम क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है या अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार मतलब काम सबका काम अलग अलग है? मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिप्लोमा बीकॉम बीएससी कर रखा है उनकी भी सैलरी सेम रहती है? अलग अलग डिप्लोमा वालों को तो यहाँ क्वालिटी में रखा जाता है। अच्छा, डिप्लोमा वालों को क्वालिटी में रखा जाता है, परमानेंट रहते हैं, अनरोल रहते हैं। अच्छा, मतलब क्वालिफिकेशन के अनुसार उनकी पोस्ट भी दी जाती है? अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग पोस्ट दिया जाता है ना, पोस्ट दिया जाता है। जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे आप बताए इंटर हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, ये प्रोडक्शन पे लाइन पर काम करेंगे। अच्छा, ये लोग प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं, तो काम जो लाइन जो काम करते हो खड़े होकर काम करते हैं या बैठकर काम करते हैं? नहीं, कंटिन्यू खड़े होकर काम करना पड़ता है। अच्छा, कंटिन्यू खड़े होकर ही, मतलब 8 घंटे हो या 12 घंटे? हाँ, खड़े होकर ही काम करना पड़ेगा ना, खड़े होकर, बैठकर कोई काम नहीं? बैठकर कोई काम नहीं। जब ब्रेक दिया जाता है उसमें आप बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। इंटरव्यू कुछ जानकारी ले लेते हैं आपको जॉब के बारे में, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट लगता है वो ओरिजिनल लगता है या जीरोक्स कॉपी लगता है, क्या लगता है? जो भी होता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, बाकी आपका जीरो कॉपी ले लिया जाता। मतलब जो भी लड़के वैकेंसी के लिए आते हैं या इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेकर आए ना? हाँ, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। जब आप इंटरव्यू के समय गए थे तो आपसे कुछ, मतलब कुछ आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर या मुझे कमेंट करते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं थोड़ी? वही जो क्वालिफिकेशन के आधार पर पूछते हैं वही रिज्यूम आपसे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि रिज्यूम या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी उनकी पोस्ट। ज्यादा तो खास पूछते नहीं, वो थोड़ा इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश बेसिक मतलब नॉलेज, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, हम बस इंग्लिश लड़का पढ़ सके। जैसे कि आज तो चलेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि दिवाली या छठ के बाद में जैसे कि कंपनी में कुछ लड़के काम कर रहे हैं तो मतलब कुछ लड़के कम है या क्या ज्यादा है, वैकेंसी चलने का चांस है या नहीं, ये आप बता सकते? हाँ, दीपावली बाद चांस है वैकेंसी, कुछ लड़के हैं तो दीपावली है, काफी लड़के तो छोड़ के जाएंगे, तो इसीलिए कंपनी वो वैकेंसी निकालेगी। जैसे कि मुझे भी पता है कि दिवाली के बाद बहुत सारी कंपनियों में मतलब वैकेंसी चलती है, तो ओप्पो कंपनी में तो वैकेंसी चलेगी। जैसे ओप्पो कंपनी में वैकेंसी तो चलेगी, तो मैं उसका इन्फॉर्मेशन तो डाल दूंगा। जैसे कि कॉन्टेक्ट, जैसे कि नाइट शिफ्ट करते हैं आप, नाइट तो नाइट में कंपनी कुछ एक्स्ट्रा मतलब पैसा देती है या मतलब? नाइट का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, 50 रुपये मिलता है। यानी नाइट शिफ्ट जब आप करते तो आपको कंपनी 50 रुपये एक्स्ट्रा पर नाइट की आपको देती है। हाँ, पर नाइट 15 दिनों का आपको 50 रुपये मतलब पर डे दिया जाएगा 15 दिनों तक। और डे में आपको दिया जाता है वो 50 रुपये? नहीं दिया जाता है डे में, 50 रुपये आपको नहीं दिया जाते, नहीं दिया, सिर्फ नाइट में ही दिया जाते वो सैलरी ओवर टाइम हटाकर सिर्फ एक्स्ट्रा 50। ये बताइए जो लंच और डिनर जो भी है वो मतलब क्या उसकी कोई चार्ज है या मतलब? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ये सब फ्री है। क्या क्वालिफिकेशन के अनुसार कंपनी सैलरी देती है, क्या आप बता सकते हैं आपकी जो सैलरी? हाँ, जो हमारी सैलरी है हम लगभग में बता सकते, एक थ्रू हम आपको ये जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। तो लगभग आप बता सकते हैं कि लगभग आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? आगे मतलब कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन आगे पीछे तो बता सकते हैं आपको 8 घंटे की सैलरी दीजिए। इसके अलावा मतलब कुछ और दिया जाता है सैलरी के अलावा? इसमें HR भी दिया जाता है, 2750 रुपये। HR मतलब HR 2750 एक्स्ट्रा दिया जाता है? ये एक्स्ट्रा दिया जाता है, HR की तरफ से मिलता है। HR की तरफ से मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं मतलब कुछ? नहीं, जैसे आपकी अटेंडेंस जो है प्रॉपर रहे, यानी 26 का 26 दिन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, 26 अगर आप ज्यादा काटते हैं तो उसमें HR से भी आपका कट जाता है। HR की ओर से आपको मतलब कितना मिलता है? लगभग 2750 लगभग 2750 आपको HR हो गया और 10,000 लगभग कुछ समथिंग आपका सैलरी हो गया। उसके अलावा कुछ और? हाँ, अटेंडेंस अवार्ड है 2000, जिसमें से इसमें आपका एक भी दिन छुट्टी ना रहे। अच्छा, यानी 26 की 26 हो रहे, 26 का 26 दिन कंटिन्यू अगर जॉब करते हो तो आपको 2000 रुपया अटेंडेंस अवार्ड दिया जाता है। देखिए, ओप्पो कंपनी का 2 पार्ट में वीडियो बनाया गया है, पहला पार्ट में है और दूसरे पार्ट में, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में पूरे वीडियो को मैं बना देता तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील होता और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में मतलब बनाया गया हूं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अगर आप पहला पार्ट देख रहे हो तो अगले पार्ट आपको एक दिन बाद मिलेगा, अगर आप एक दिन बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको पहला पार्ट आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहला पार्ट भी जाकर देख सकते हो, उसमें भी आपकी सैलरी से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट क्या क्या के जाना है सारी डिटेल में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए। और ये वीडियो 50 रुपये नाइट का मिलता है, 50 रुपये पर डे नाइट, यानी 26 दिन का लगभग आपको 1200 के करीब में आपकी नाइट भी